हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम लोग फ्री कोचिंग स्कीम जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग योजना है, आज उसका फॉर्म कैसे भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद एडमिशन कैसे कंप्लीट होती है उसके बारे में बात करेंगे और फॉर्म भरना भी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप और इसके साथ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो कोचिंगों में भी बताएंगे। और निःशुल्क है तो मतलब यहाँ पर कोई भी चार्जेस लगेगा नहीं, तो इसमें किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस छोड़ के और किसी भी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं लगता है। और आपको देखने से पता ही चल रहा है कि इसमें कई प्रकार की तैयारी कराई जाएगी, वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट होकर वहाँ कोचिंग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब इसको कैसे करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आप AAGE स्टूडेंट अकेडमी। आप इसको जैसे सर्च करते हैं तो प्ले स्टोर पर एक ऐप खुल आता है सामने, आप इसी को ऑन कर लेंगे, ऐप देख लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप इस जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद हम बताते हैं इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे। इंस्टॉल होने दीजिए और इसमें आपको तो ऐसे ही पता है कि इसमें आप किसी भी प्रकार का आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री चार्जेस पर पढ़ाया जाएगा और इसका आप बेनिफिट अच्छे से ले सकते हैं। ठीक, चलिए ऐप इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे इस पर आपको अंदर जाने के लिए लॉगिन करने के लिए कई तरह मेथड मिलेंगे। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ठीक, मोबाइल डाल के नंबर डाल के जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको OTP मिलेगी। OTP आउटो इंटर होकर वेरीफाइड हो जाएगी, अगर नहीं रहेगा तो आप उसमें OTP इंटर कर लीजिए। OTP इंटर करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है फ्री कोचिंग स्कीम। ये ऐसा ऐप है कि इसमें आपको जितने भी कोर्सेस होती हैं इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्राइजेस में आपको कोर्स प्राप्त होंगे। मतलब आपको जितना है जैसे 5,000, 6,000, 4,000, 2,000, 3,000 का होता है, यहाँ तक कि 1,000 रुपये वाले कोर्स भी आपको यहाँ 100-150 रुपये में मिल जाएंगे। बस आप कोर्स का नाम यहाँ पर आकर सर्च कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्री कोचिंग स्कीम दिया है तो आप इस पर बैनर पर क्लिक कर लेंगे। ठीक, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो जो बोलेगा आप उसे फिल करते जाइए। चलिए आपको बताते चलते कैसे। मैंने कोई नाम ले लिया, जैसे ले लिया भरने के लिए हमने नाम ले लिया प्रिंस। ठीक, हमने प्रिंस नाम भर लिया। अगर उनका कोई मिडल नाम हो तो मिडल नेम भर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं भरेंगे। और लास्ट जो हो आप कॉस्ट भर सकते हैं, तो यहाँ पर भरना रिक्वायर्ड है, नहीं भरेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पर भर लिए, फिर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिए, मार्च 5, और ईयर चूज कर सकते हैं आप जो भी ईयर के हो। ठीक, आपका जो ईयर हो आप उसे चूज कर लेंगे। ठीक, और जेंडर मेल चूज कर लेंगे मेल फीमेल। फिर अगला है कि ऑफ विच कंट्री आर यू सिटीजन, आप किस कंट्री के सिटीजन है वो बताना हमें। ठीक, हमको सिटीजन के बारे में बताना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिटीजन सर्च करेंगे। हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया पर जाके सर्च कर लेंगे और इंडिया पर क्लिक कर लेंगे। ठीक, फिर फ़ोन नंबर में पहले आप 91 एरिया कोड डाल देंगे अपना, जिस देश से हैं। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर जो आपका रहे आप उस मोबाइल नंबर को इंटर कर लेंगे। ठीक, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना जीमेल जो है आपका जीमेल यहाँ पर इंटर कर लेंगे। ठीक, जीमेल डालने के बाद जो भी हो आप उसको इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे जहाँ पर परमानेंटली रहते हैं। एड्रेस भरने के लिए आपका जो एड्रेस रहे आप उसे फिल कर सकते हैं, आपका जो भी हो। तो स्ट्रीट एड्रेस और स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 होता है तो आप उसमें से दोनों को भर सकते हैं। अगर आपका दोनों सेम है तो दोनों आप भर लेंगे। ठीक, के गांव का नाम आप उसे यहाँ पर फिल कर लेंगे, यहाँ पर भी वही सेम फिल कर लेंगे। ठीक, आप यहाँ पर उसे पूरा अच्छे से फिल कर लेंगे। और सिटी का नाम, जो आपके सिटी का नाम रहे आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, और स्टेट क्या है, UP है तो UP स्टेट डाल देते हैं। पोस्टल कोड आपका जो होता है उसको आप फिल कर लेंगे। ठीक, पोस्टल कोड फिल करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यदि आपका किसी प्रकार से आपसे संपर्क नहीं हो पाता है कोचिंग वालों को तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए डाला जाता है कि किसी प्रकार का नोटिस आया हुआ कुछ भी आया तो उन्हें बता सकें। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में जिसको आप डालेंगे उसका नाम डालेंगे, पहले नाम डालने के लिए जो भी नाम हो हम उसमें
डाल लेंगे, फिर उनका लास्ट नेम डाल लेंगे, ठीक। फिर रिलेशनशिप ओके आपके लगते हैं, फादर लगते हैं तो फादर लिख देंगे, मदर लगते हैं तो मदर, ब्रदर है तो ब्रदर। फिर यहाँ पर फिर से उन्हीं का जीमेल डालेंगे जिनका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, न हो तो पुराना वाला भी डाल सकते हैं। फिर एरिया कोड 91 डाल देंगे, फिर मोबाइल नंबर जो हो, ठीक, फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे चूज करने के लिए बोल रहा है कि विच कोचिंग नियर टू यू, आपके पास मतलब आपके करीब में कौन सी कोचिंग पड़ती है, आप उसे चूज कर लेंगे। एक ही चूज कर सकते हैं, ठीक, तो वहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैंने चौबेपुर चूज कर लिया पहला है, फिर हम नेक्स्ट पर दबा देंगे। अब यहाँ पर ईमेल आईडी देखिए करेक्ट मांग रहा है, तो ईमेल आईडी हम को लोग करेक्ट डाल देते हैं, ठीक। और करेक्ट ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो हम लोग चलिए इसको करेक्ट ईमेल आईडी डाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे एजुकेशन के बारे में पूछता है, ठीक ना। एजुकेशन के देखिए वी ऑल डन, ऑल एयर फिक्स हो चुका है। फिर आगे चलते हैं स्कूल नेम, तो स्कूल नेम में जहाँ पर आप पढ़ते हो उस स्कूल का नाम डालेंगे, तो स्कूल का नाम यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद स्कूल एड्रेस, कहाँ पर आपका स्कूल है, सिटी का नाम डालना है तो सिटी का नाम पूरा डाल लेंगे, और स्टेट यूपी डाल लेंगे जिस स्टेट से आप पढ़ते हैं। उसके बाद अपना कंट्री चूज कर लेंगे, कंट्री यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट ड्यू टू टू डेज प्रीयर ऑफ द स्टार्ट ऑफ क्लास, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वही रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको क्लास शुरू करने से दो दिन पहले ही जमा करनी पड़ती है। तो आप जहाँ पर भी ये जिस चूज पर किए हैं, जैसे चौबेपुर चूज किए, धरहरा चूज किए, पांडेपुर या दुर्गापुर, तो वहाँ के आप इसको ले जाएंगे, सबमिशन कर देंगे, तो इसका एक टू कॉपी उनके पास पहुँच जाता है। यदि आप इसका टू कॉपी करके भी ले जाते तो और भी अच्छा, नहीं है तो उनके पास भी एक रहता है, आप जा करके बता देंगे सबमिशन, अपना नाम बता देंगे तो खोज करके, और वो इसका जो चार्ज होगा कोचिंग के हिसाब से वो चार्ज अपना ले लेंगे। अगर आप उन्हें कैश देना चाहते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं, यूपीआई देना चाहते हैं, अगर आप तीनों दे सकते किसी न किसी, तीनों को सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। और ये देखिए हमारा फॉर्म हो गया, फॉर्म हो गया हमारा सबमिट। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद ऐसे ही आप हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने कोचिंग में विजिट कर सकते हैं। कोचिंग में विजिट करने के बाद आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर जाने के बाद। और इससे रिलेटेड और कोई आपको वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए, जैसे आपको हम बता देंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही बहुत सारी फैसिलिटी आए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहे, जिससे आप इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।